हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। इस चैनल पर आपको मिलेगा जेईई मेन और जेईई एडवांस की जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं, सभी का वीडियो सॉल्यूशंस। ओके, आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो और सभी के सॉल्यूशंस को आप देख सकते हो। ठीक है, वेल वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो जेईई मेन 2018 में 15 अप्रैल को शिफ्ट टू वाले एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या? लेट एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और ये फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स का ये डेफिनेशन आ रहा है, एफ एक्स इसके इक्वल है। कब है? जब एक्स 1 से बड़ा है और एक्स 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब एक्स का वैल्यू 2 है तो इन दैट केस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? के आ रहा है। आगे पूछा हुआ था वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। तो देखो, ये वाला जो लाइन है काम का है, मतलब हमें करना क्या है, के का वैल्यू निकालना है जिसके लिए एफ एक्स कंटिन्यूस बन जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो कंडीशन क्या दे रखा है? सिंस जो एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, 2 पर कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर जो फंक्शन का वैल्यू आपने निकाला और 2 पर फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, और 2 पर फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो कैसे तीनों इक्वल होंगे? पहली बात तो हमें ये समझ में आती है, अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, अगर 2 पर कंटिन्यूस है तो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही रहता है ना। उसके बाद जब आपने क्या किया, एफ ऑफ 2 हमने यहाँ लिखा। अच्छा देखो, 2 प्लस और 2 माइनस के कारण फंक्शन का डेफिनेशन बदल नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 2 ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मुझे करना क्या है, बस यहाँ पर जो एफ एक्स लिखा हुआ है उसका लिमिट फाइंड आउट करना है, कहाँ पर? एक्स इजिकल टू 2 पर है, जब एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, तो आपने लिखा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 2, तो हमने यहाँ लिखा एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वन पावर में आपने लिखा 1 अपॉन ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से, जब एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पोर्शन जो बेस लिखा हुआ है तो 1 को अप्रोच कर रहा है, और ये जो पार्ट है न्यूमरेटर पावर वाला पार्ट है ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये तो कौन से फॉर्मेट लिखा हुआ है? 1/∞ फॉर्म लिखा हुआ है, और 1/∞ फॉर्म को आप कैसे सॉल्व करते हो? ई पावर में आप लिखते हो जो लिमिट है वो लिमिट लगाते हो। ठीक है, एक्स टेंस टू 2 हमने यहाँ लिखा, फिर आप लिखोगे जी एक्स, जी एक्स का मतलब एफ एक्स पावर जी एक्स, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू में हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस वन। ठीक है, ऐसे कुछ लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू जो आ रहा है वहां से कितना आ गया? के आ गया। ठीक है ना, अब के इज इक्वल टू कितना आ गया? ई पावर में आपने लिखा लिमिट, आपने यहाँ लिखा एक्स टेंस टू 2, ये फॉर्मूला है ना आपने। अब देखो ये तो क्या लिखा हुआ, एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट से तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ गया तो माइनस 1 ही आ गया ना। जब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, ई पावर माइनस 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया, e पार माइनस 1 आ गया। तो इससे आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।